फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नन्हे किड्स। आज हम करेंगे क्लास थर्ड की मैथ्स वर्कशीट। इस मैथ्स वर्कशीट की हेल्प से आप बच्चों को घर पर ही एग्जाम की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन न्यूमेरियल्स। यहाँ पर मैंने वर्ड्स में काउंटिंग लिखी, बच्चों को उन्हें न्यूमेरियल में लिखना है। न्यूमेरियल मीन्स नंबर में लिखना है। 10,567। बच्चे इस तरह के क्वेश्चन करते हुए अक्सर मिस्टेक करते हैं। जब भी आप बच्चों को इस तरीके के क्वेश्चन करवाते हैं तो सबसे पहले आप उसको थाउजेंड, हंड्रेड, टेंस, वंस इस तरह से कॉलम बनाने के लिए कहें। 10,000, थाउजेंड वाले बॉक्स में हमेशा टू डिजिट्स आएंगी, 10,000। देन उसके बाद सिंगल सिंगल हमें डिजिट्स लिखनी है। 500, हंड्रेड वाले बॉक्स में हम 5 लिखेंगे। 67, इस तरीके से आप बच्चों को न्यूमेरियल्स में लिखना सिखा सकते हैं। 55,000, तो फर्स्ट बॉक्स में हमें टू डिजिट्स लिखनी है, 55। 700, 55, इसमें हमें सिंगल सिंगल डिजिट्स लिखनी है। 22,371, 72,859। अगर आप बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिस करवाएंगे तो कभी भी वो इस तरीके के क्वेश्चन करने में मिस्टेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट इन वर्ड्स। जिस तरह से अभी मैंने वर्ड्स को न्यूमेरियल में चेंज करा है, इसी तरीके से यहाँ पर न्यूमेरियल लिखे हुए हैं, हमें इन्हें वर्ड्स में लिखना है। आप बच्चों को इसमें भी नंबर को डिवाइड करके लिखने के लिए कहें। जैसे पहले हमने इन दो डिजिट्स को हम अलग रखेंगे, फिर सिंगल, देन ऐसे थाउजेंड, हंड्रेड, टेन एंड वंस, इस तरीके से आप डिजिट्स को डिवाइड करने के लिए कहें। तो स्टार्टिंग में आएगा हमारा 98,732, 58,631, 67,675, 67,675, 43,927। क्वेश्चन थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। यहाँ पर बच्चों को ग्रेटर देन और लेस देन के साइन पुट करने हैं। इस क्वेश्चन को करते टाइम हम सबसे पहले अपने स्टार्टिंग के नंबर देखेंगे। 3, 3, दोनों इक्वल है। देन 3, 1, तो 3 ग्रेट होता है 1 से, तो इट मीन्स 3,333 इज अ ग्रेटर देन 3,134 से। नेक्स्ट करेंगे 6, 6, 7, 5, तो यही हमें पता चल गया, आगे देखने की जरूरत नहीं है। बच्चों को समझाएं कि ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपना आंसर स्टार्टिंग में मिल रहा है तो आप उसे इजीली करें। 67 ग्रेटर देन 65, 23, 23, दोनों सेम डिजिट्स से, हमें आगे भी देखना पड़ेगा। 67, 364 लेस देन 2,374, 3, 3, 6, 2, तो हमें स्टार्टिंग में ही अपना आंसर मिल गया। 6, 2 से बड़ा होता है तो ग्रेटर देन का साइन हम इस तरफ लगाएंगे। दोनों देखेंगे 1, 1, 2, 2, 5 एंड देयर इज 7, तो 7 इज ग्रेटर देन 5, 8, 8, 5, 5, 2, 4, तो 4 इज ग्रेटर देन 2। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ रही होगी और आप भी अपने बच्चों को इस तरीके से अच्छे से समझा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट लीटर टू मिलीमीटर। लीटर को हम एल पढ़ते हैं और मिलीमीटर को हम शॉर्ट फॉर्म में एम एल पढ़ते हैं। लीटर, सेंटीमीटर, इस तरीके के क्वेश्चन में हमें कुछ रूल्स होते हैं जो याद करने पड़ते हैं। 1 लीटर इक्वल टू 1,000 मिलीलीटर, तो 5 लीटर को हम मिलीलीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, 1,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 × 1,000 इक्वल टू 5,000 ml, ये हमारा आंसर है। यहाँ L था, L को हमने ml में चेंज किया है। नेक्स्ट है हमारा, तो 22 × 1,000 तो इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने की टेंशन नहीं करनी है, जितनी जीरो उसके पीछे होती है उतनी ही हमें यहाँ लगानी होती है, 22,000 ml। 78 L, तो 78 × 1,000, तो यहाँ आएगा 78, 34 × 1,000, 34,000, 42 × 1,000,
42,000 ml। इस तरीके से आप बच्चों को लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना सिखा सकते हैं। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर? यू कैन यूजिंग दीज फोर डिजिट्स। आपको ये फोर डिजिट्स दी हुई है, इसमें आपको इस फोर डिजिट्स की हेल्प से ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन फोर डिजिट में 7 सबसे बिग नंबर है, तो 7 सबसे पहले लिखेंगे, देन 5, देन 3 एंड 1। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें सबसे पहले स्मॉल नंबर लेना है, 1, 3, 5, 7। नेक्स्ट हमें इसी तरह से करना है, सबसे बड़ी डिजिट्स लिखनी है, 6 दो बार है और दोनों ही बड़ी हैं 3 से, तो हम लिखेंगे 3, 1, 1, 3, 6। इसी तरह से 5, 4, 2, 1, 1, 2, 4, 5। यहाँ हमें बड़े से छोटे की तरफ चलना है और यहाँ छोटे से बड़े की तरफ चलना है, 6, 5, 3, 2, 2, 3, 5, 6, 9, 8, 6, 5, 5, 6, 8, 9, 8, 7, 5, 4, 4, 5, 7, 8। बच्चों को भी आप फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए कहें, जितना ज़्यादा बच्चा फास्ट कैलकुलेशन करेगा उसका माइंड उतना ही एक्टिव होगा और वो मैथ्स में उतना ही ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। क्वेश्चन 6, अरेंज दिस नंबर इन ऑर्डर बिगिन विद द ग्रेटेस्ट। यहाँ पर बच्चों को इन नंबरों को अरेंज करना है और सबसे पहले हमें ग्रेटेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम डिजिट्स देखेंगे, 4, 2, 4, 4, तो देखेंगे सबके साथ 4 है, सिर्फ इसी के साथ 2 है, इट मीन्स ये हमारा सबसे स्मॉल नंबर होगा। फिर यहाँ 7 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो 47 ये वाला नंबर हमारा बिग होगा, 40, 40 और 42, तो 42 इज़ ग्रेटर देन 40। फिर इसके बाद हम 40 वाला नंबर लिखेंगे, 4070, लास्ट हमारा 2700 होगा, 72, 25, 27, 75, तो 75 ग्रेटेस्ट नंबर, 72, 25, 27, 2750 इज ग्रेटर देन 2500, 4997, 94 और यहाँ पर 99, तो 99 हम पहले लिखेंगे, देन 94, 49 और 72 में हम 72 पहले लिखेंगे क्योंकि ये बड़ा है, हमें बड़े से शुरुआत करनी है छोटे की तरफ, बिग टू स्मॉल, 49 और 61, 26, 23, 21, 23, तो हम 26 वाला पहले लिखेंगे, देन 23 और 23 को दोनों को देखेंगे, तो 23 के बाद यहाँ 30 और यहाँ 11 है, तो 30 इज़ अ बिगर देन 11, तो 23, 11 और 21, 10। क्वेश्चन नंबर 7, नंबर सीक्वेंस। यहाँ पर हमें बच्चों को सीक्वेंस में नंबर लगाने के लिए कहना है, 5702, 5703, 5704, तो 5704 के बाद क्या आएगा हमारा, 5705, 5706, 5707। इसे आप नंबर सीक्वेंस कह सकते हैं, इसे आप पैटर्न भी बोल सकते हैं, 7928, 7938, 7948। तो हम यहाँ लिखेंगे 7900, हम देखेंगे जो टेंस का प्लेस है यहाँ पर एक एक नंबर हमारा बढ़ता जा रहा है, बाकी नंबर हमें सेम रखने हैं, 7958 सिर्फ टेंस वाला प्लेस चेंज करना है, 7968, 7978। बच्चे को ध्यान रखना है कि कौन से प्लेस पे हमारी डिजिट्स चेंज हो रही है, 2744, 3744, 4744। यहाँ पर 1000 का प्लेस हमारा चेंज हो रहा है, बाकी सेम डिजिट्स हैं, तो यहाँ 5744, 6744, 7744, 3105, 3104, 3103। यहाँ पर लेस होता जा रहा है हमारा नंबर, 3102, 3101 और यहाँ पर आएगा 3000, 6610, 6510, 6410। यहाँ पर 100 का प्लेस चेंज हो रहा है, तो हमें सारी डिजिट सेम रखनी है और अपने 100 के प्लेस को चेंज करते जाना है, तो 6, तो 4 के बाद 3, 10, 2, 10, 110, 7099, 6099, 5099, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 4099, 3099, 2010,
99। इस तरीके से आप बच्चों को पैटर्न्स की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर मैंने डिवीजन के सम्स दिए हैं, तो यहाँ पर 4 हमारा 6 से स्मॉल है, इसलिए स्मॉल होने की वजह से हम दो डिजिट एक साथ रीड करेंगे। क्या 6 के टेबल में 44 आता है? नो। 44 से कोई स्मॉल नंबर है जो आता है? यस। 6 7 जा 42। अब यहाँ माइनस करेंगे हम इसे, हम 4 में से 2 गए 2, ऊपर से लिखेंगे हम 9। क्या 29 6 के टेबल में आता है? नो। 29 से स्मॉल डिजिट्स है कोई? यस। 6 4 जा 24 में हम माइनस करते जाएंगे, 9 में से 4 गया 5, 2 में से 2 गया 0, तो 0 की तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। ऊपर से हम 4 को यहाँ लिखेंगे। क्या 6 के टेबल में 54 आता है? यस। 6 9 जा 54। आगे कोई और डिजिट्स है? नहीं। तो ये सम्स हमारा क्लोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम 4 5 से छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर 2 डिजिट्स देखेंगे। क्या 49 5 के टेबल में आता है? नहीं। इससे स्मॉल डिजिट्स कोई आती है? यस। 5 9 जा 45। अब इसे माइनस करेंगे, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 4 गया 0, ये 7 ऊपर से लेंगे। 5 के टेबल में 47 नहीं आता, इससे स्मॉल आता है। 4 9 जा 45। 7 में से 5 गया 2, 4 में से 4 गया 0, ऊपर से फिर हम डिजिट्स लेंगे। क्या 5 के टेबल में 20 आता है? यस। 5 4 जा 20। जैसे मैंने बताया, या तो आप 0 लिख दीजिए या फिर इसको डायरेक्ट क्रॉस कर दीजिए, और कोई डिजिट्स नहीं है नीचे लिखने के लिए। नेक्स्ट करेंगे हम 7, 7 के टेबल में 68 आता है? नो। इससे स्मॉल डिजिट? यस। 7 9 जा 63, तो 8 में से 3 माइनस किया 5, 6 में से 6 किया 0, 3 लेंगे अब हम। 7 7 जा 49, 13 में से 9 गया 4, 4 में से 4 गया 0, ऊपर से हम 9 लेंगे। कि 7 के टेबल में 49 आता है? यस। 7 7 जा 49। तो इस तरह से आप बच्चों को डिवाइड के सम्स करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मल्टीप्लाई डेसिमल बाय 10 100 1000। जब भी आप इस तरीके के सम्स बच्चों को करवाएं, आप थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को भूल जाएं। जब भी हम जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई कर, अगर यहाँ पर एक जीरो से कर रहे हैं तो हम यहाँ पर अपने आंसर में भी एक जीरो लगा देंगे। अब देखेंगे हम अपना डेसिमल, तो हमारा डेसिमल पीछे से एक नंबर पे है, तो इधर भी हम पीछे से एक नंबर आगे लगा देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 353। डेसिमल के बाद जितनी भी जीरो है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप चाहे अपने आंसर को इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे हम 733, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके पीछे हम 30 लगाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर कितने डिजिट के बाद हमारा डेसिमल है, एक डिजिट के बाद, तो पीछे से हम एक डिजिट के बाद अपना पॉइंट लगाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 3 3 0 0 6 4 5 0 0। तो यहाँ देखेंगे 2 डिजिट्स के बाद हमारा डेसिमल है, तो यहाँ पर भी हम 2 डिजिट्स के बाद ही अपना डेसिमल लगाएंगे, तो 6 4 5, इट्स अवर आंसर 5 5 3 7 और 3 0। 1 2 3, 3 डिजिट्स के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3, तो हमारा आंसर होगा 5 5 3 7। तो आप इस तरह से इजीली बच्चों को डेसिमल वाले क्वेश्चन करवा सकते हैं। तो पेरेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप भी अपने बच्चों को इस तरीके से घर पर वर्कशीट बनाकर दीजिए और उसे एग्जाम की प्रैक्टिस करवाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।